हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद अफसाना। और आप सब है आज मेरे किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड क्रम्ब। ब्रेड क्रम्ब एक ऐसी चीज़ है जिसे हम कई सारे स्नैक्स में यूज़ करते हैं। मैंने कई सारी ऐसी रेसिपीज़ बताई हैं जिसमें मैंने ब्रेड क्रम्ब का यूज़ किया है। तो चलिए जानते हैं कि इसे घर में आप इजीली कैसे बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन बटन होगा, उसे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलकर स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। ब्रेड क्रम्ब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 4 ब्रेड। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से और भी ब्रेड ले सकते हैं। अब हम सबसे पहले एक तवा लेंगे जिसे हमें अच्छे से गर्म करना है। यहाँ पे मैंने एक तवा लिया है, इसे मैं अच्छे से गर्म करूँगी। ये देखिए, हमारा तवा यहाँ गर्म हो गया है। अब हम यहाँ पे एक एक ब्रेड करके सेंक लेंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ब्रेड रखे हैं और इसको हम दोनों तरफ से सेंकेंगे। अच्छे से दबा दबा के हमें इसे सेंकना है। ये देखिए इस तरीके से, देखिए हमारा एक साइड से ये अच्छे से सिक गया है। अब हमें दूसरी साइड भी इसी तरीके से सेकना है। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड से हमारे ब्रेड अच्छे से सिक गए हैं। बाकी जो हमारे 2 ब्रेड बच गए थे उन्हें भी हम इसी तरीके से सेक लेंगे। यहाँ पे मैं आंच को धीमी कर रही हूँ क्योंकि हमारा तवा बहुत तेज गर्म हो गया है। ये देखिए, इसी तरीके से हमें दोनों तरफ से पलट पलट के इसे सेक लेना है। गैस को ऑफ कर देंगे। यहाँ पे हमारे दोनों ब्रेड ये भी तैयार हो गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे ब्रेड तैयार हो गए हैं। यहाँ पे मैं 15 मिनट तक इसे हमें ठंडा करना है। जो हमने ये ब्रेड को सेका था, अब हम इसे तोड़ लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, छोटे छोटे टुकड़ों में हमें इसे तोड़ना है। पहले हमें इसे 15 मिनट तक ठंडा कर लेना है, उसके बाद ही हमें इसे तोड़ना है। अब हम यहाँ पे एक मिक्सी का जार लेंगे, इसमें हमें ब्रेड के टुकड़ों को डाल देना है। ये देखिए, और हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ब्रेड को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। यहाँ पे हमारा ब्रेड क्रम एकदम रेडी हो गया है। इसे हम प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमारा ब्रेड क्रम एकदम रेडी हो गया है। मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। आप चाहें तो इसे तुरंत यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप स्टोर करके इसे आगे भी कभी भी यूज़ कर सकते हैं, कितनी बार भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक डब्बा लिया है, उसमें आप इसे डाल देंगे। डब्बा एयरटाइट कंटेनर लें या आप नॉर्मल डब्बा भी ले सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसके ढक्कन को अच्छे से लगा दिया है। आप इसे आराम से 1 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके यूज कर सकते हैं। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर हेल्पफुल रही हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।